हेलो गाइस, भाई मैं जैनिश डागर। भाई ये खड़ी है अपनी ओला की S1। तो भाई इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है यार, कल परसों से इसके अंदर जो नेविगेशन है ना, GPS नेविगेशन मैप, वो ढंग से चल नहीं रहा है। मैंने परसों चलाया था सुबह कॉलेज जाते टाइम, तो बढ़िया चल रहा था। उसके बाद आते टाइम भाई ढंग से चल ही नहीं रहा था, मतलब लोड नहीं हो रहा। वो क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और उसका फिर सॉल्यूशन भी करते हैं, ठीक होता है नहीं होता है, इसको रिबूट वगैरह करते हैं। ठीक है, ये देखो भाई आपको मैं दिखाता हूँ, ये नॉर्मल स्क्रीन है भाई। ठीक है, थोड़ा आगे कर दूँ मैं, ये देखो भाई। ठीक है, जैसे ये GPS आ गया इसका, ये मैप का आ गया है। ठीक है, तो मेरे को जैसे कि अपना ये कॉलेज के वहाँ जाना है, तो मैं कॉलेज से थोड़ा दूर था तो कॉलेज जाना है, तो ये कॉलेज वाला आ गया, पूरा 2 मिनट का रास्ता है, तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये पूरा लोड नहीं हो रहा है, ये देख रहे हो आप, एक मिनट। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पहले सब कुछ रोड्स वगैरह शो होता था, ये लोड नहीं हो रहा है पूरा का पूरा, देख रहे हो ना। देखो माइनस प्लस करने से हो नहीं रहा है, और ये सर्चिंग फॉर जीपीएस शो हो जा रहा है। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको रीबूट करना पड़ेगा। रीबूट करने के लिए भाई एक ये वाला बटन और एक ये वाला बटन दोनों दबा के रखने होंगे। मैं दबाता हूँ एक बार, ये हो गई भाई क्लोज। ठीक है, अभी इसको खुलने दो, चेक करते हैं, फिर यहाँ पे ओला लिख के आएगा। स्क्रीन अगर फुल ब्राइटनेस रखो तो थोड़ी बहुत गर्म होती है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, जस्ट थोड़ी बहुत, जैसे फ़ोन की स्क्रीन गर्म हो जाएगी ना आपके वैसे। इस बटन को और ये रिवर्स मोड वाले बटन को, इन दोनों को आपको दबा के रखना होता है। ये देखो चालू हो रही है, ओला आ रहा है। मेरे हिसाब से भाई इस चीज़ से हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। अगर नहीं हुआ तो भाई इनका फिर कंप्लेन डालनी पड़ेगी, वो ओला की गाड़ी आएगी, वो देखेगी इसको क्या दिक्कत है। ये भाई पार्क देखो, सेक्टर 23 में हूँ मैं अपने कॉलेज के पास। तो मैंने भाई ये मेरे को दिक्कत दे रहा था, मैंने सोचा इसकी बताता हूँ आप सबको। ये आगे भाई इसकी स्क्रीन देख लो, इतना टाइम लेती है रिबूट में। कोई आपको किसी चीज़ का इशू आए ना, तो आपको यही करना पड़ेगा, तो आपको इतनी देर तो भाई खड़ा होना पड़ेगा, चाहे रोड पे खड़े हो चाहे कहीं भी खड़े हो, इतनी देर तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। मैं इसमें पासवर्ड डालूँगी एक बार, खुल गई भाई ये। एक बार इसको दोबारा लॉक करके फिर खोलते हैं। अरे यार ये छोटे मोटे बग्स बड़े आते रहते हैं इसमें। तो ये देखो गाइस खोल दिया, ठीक है, ये रिबूट हो गई है। तो अब एक बार इसका GPS चेक करता हूँ मैं, चल रहा है नहीं चल रहा। ये नेविगेशन सर्विस एरर दिखा रहा है, इसको पैक करते हैं, दूसरा डालते हैं। चल गया गाइस, खुल गया भाई, देखो आ गया ना पूरा का पूरा। अब देखो ये तो सर्चिंग फॉर GPS भाई दिखा देता है वो, इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिम है, जैसे मोबाइल डाटा की, जैसे जियो या एयरटेल की,
तो वो अगर सर्च नहीं करेगी तो दिखाएगा, लेकिन तब ये देखो ये मैप्स आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, आपको दिख रहा है ये? अब ये पूरा का पूरा मैप आ गया है, रास्ता शो कर रहा है, ये देखो ये कल से आ रहा था, दो दिन से आ रहा था, तो मैंने सोचा ये ठीक हो जाएगा भाई, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ना लास्ट ऑप्शन भाई इसका यही करना पड़ा मेरे को, ये रीबूट करनी पड़ी, उससे ठीक हो जाता है ये देखो, ये आ नहीं रहा था भाई पहले बिल्कुल भी, ये कुछ और, ये अब बसई रोड का डालता हूँ, ये देखो देखो भाई, ठीक है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो ना ये आपको ऐसे ही सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई मेजर इशू आए, कोई बग्स का इशू, कोई कोई फीचर नहीं चल रहा, कोई चीज़ नहीं चल रही, तो भाई आपको इसको रीबूट करना पड़ेगा, उससे ही ठीक होगी ये, क्योंकि दो दिन से मैं नोट कर रहा था कि भाई ठीक हो जाएगा, मेरे को लगा कोई सिम विम की प्रॉब्लम होगी, कि जो जैसे एयरटेल जियो कहीं नेटवर्क आ नहीं रहे होंगे इसके, तो ये सर्चिंग दिखा रहा होगा, लेकिन नहीं भाई ये बग्स आ जाते हैं इसके अंदर। आपको ठीक करने का आपको तरीका मैंने बता दिया, आपके सामने भी ठीक करा है, ये पावर बटन दबाना होगा और ये बटन दबाना होगा, इसको रिबूट करना पड़ेगा, अब ये बिल्कुल ओके चल रही है, देखो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल पहले आ ही नहीं रहा था, सिर्फ ये एक लाइन लाइन आ रही थी, पूरा मैप शो हो ही नहीं रहा था, अब देखो एक सेकंड में चल रहा है बिल्कुल ओके। अब मैं चलूंगा ना तो चल के भी दिखा दूंगा आपको, देखो बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है, ये देखो पार्क के साइड में खड़ा हूँ मैं, पूरा पार्क है ये देखो, ठीक है गाइस। तो भाई ये छोटे मोटे बग्स आते रहते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए आपको ये रिबूट ही करनी पड़ेगी, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया, थोड़ा बहुत टाइम आपको लग सकता है, जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हो, कहीं वेट करना पड़ सकता है, तो आपको ऐसे साइड में लगा के इसका करो रिबूट और चल जाओ, चालू कर दो, ठीक है। कुछ और कमेंट करके डाउट हो तो भाई बता देना, ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू।